Hi, I'm Rhea Mehrotra from The Week, and we are with Taha Shah. He's an actor who's stolen hearts all across the country and abroad as Tajdar, of course. So, hi, how are you, and how are the feelings post Hira Mandi, Taha? The feeling is very, I'm very overwhelmed by the kind of response that I've gotten. मैंने कभी expect नहीं किया था कि ऐसा response मुझे मिलेगा. But truly, 15 साल के बाद जब आपको मिलता है तो आपको सही कदर है इन सब चीजों की. और हर 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 मैसेज जो मुझे मिलता है, it really really touches my heart. और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना भी reply कर सकता हूँ मैं करता हूँ. So I just love it. Just I hope I can live up to this and continue to make good projects. You've been dubbed as the national crutch of India. What do you have to say about that? मैं नेशनल क्रश के बारे में तो नहीं जानता, पर आई एम सो ग्लैड दैट दे फील दिस अबाउट मी, क्योंकि मींस दे लव माय परफॉर्मेंस. और नेशनल क्रश जो है, इट्स अ टाइटल दैट्स आई गेस इज गोना गो विथ मी, is going to be written down in my history. So I'm so glad. And trust me, जब भी लोग ये आके सुबह भी नीचे ही मुझे कुछ लोग मिले थे, अरे आप तो नेशनल क्रश हो गए, हमारे साथ फोटो लीजिए, हमारे साथ फोटो लीजिए. It's very humbling, kind of a little makes me a little awkward, but I have to say, to be very honest, I genuinely love it, and I'm not going to lie about it. I hope I can just kind of continue to do something like national crush. Up रहते जाइए, ऐसा नहीं कि आप एक बार नेशनल क्रश करके आप भूल जाओ. सो आई होप आई कैन जस्ट मेंटेन. I'm sure you will. So talking about your debut, you debuted with Shraddha Kapoor back in 2011 with Love Ka The End. And it was a YRF Yash Raj film. So, when you debut with such a huge banner, the expectations are really high that you've been launched and this is the beginning to your career. So what were your expectations at that time and how did it all pan out? I mean, आपका मैं ना जब मैं आया था तो मुझे पता ही नहीं था लॉन्च क्या होता है. दे टोल्ड मी कि हम आपको लॉन्च कर रहे हैं, पर लॉन्च एक अलग तरीके से होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यू गेट टू आई डेंट नो कि यू नीड टू हैव एन ऑथर बैक रोल. पर मैं आउटसाइडर हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि मैं यश राज के साथ में काम कर रहा हूँ. तो माई एक्सपेक्टेशन वॉज वेरी सिंपल कि इसके बाद जो आई वुड गेट टू डू मोर फिल्म्स विद देम और आउटसाइड जहाँ पर भी वो बोले. बट अनफॉर्चुनेटली दैट डिडंट हैपन फॉर मी, बिकॉज आई गेस आई डिडंट डू दैट वेल और समथिंग मस्ट हैव हैपेंड. बट आई एम सो ग्लैड दैट दैट टॉट मी कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं, कि मैं वो देखूं और मैं उसके ऊपर मैं मेहनत करूं. But like, what was that zone for you? Did you think of an alternate career option maybe, or do you think of aggressively reaching out to people and networking so that things change for the better? मेरा हमेशा से प्लान ए ही था. देयर वाज नो प्लान बी एवर इन माय लाइफ. मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ये इंडस्ट्री छोड़ के मैं कहीं और चला जाऊंगा या मैं कुछ और करूंगा. मैं सच बोलूं तो मुझे कुछ आता ही नहीं है. मुझे एक्टिंग के अलावा मुझे कुछ ज्यादा आता नहीं है. सो द ओनली ऑप्शन इन माय लाइफ टू मेक समथिंग ऑफ माय सेल्फ. तो नो, आई नेवर थॉट ऑफ दैट. बट यस, मैंने ये जरूर सोचा था कि मैं नेटवर्किंग करूं, लोगों से ज्यादा मिलूं, अपने आप पे ज्यादा मेहनत करूं, क्लासेस जाऊं, जहां पर मेरी जो कमियां हैं, जो मेरे वीकनेसेस हैं, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज. तो आई बिलीव कि दैट वाज माय स्ट्रगल. इट एंड दैट्स वेयर आई वांटेड टू डायरेक्ट ऑल माय फोकस, ऑल माय स्ट्रेंथ, ऑल माय अटेंशन इनटू बेटरिंग माय सेल्फ. How had you landed the YRF role and did you approach them again for another opportunity and what happened after that? YRF, after that, the role finished and then I had gotten out and I started networking and started making more contact. That's how I got Gippy. So that was again because main Karan Johar sir ke gaadi ke peeche maine bhaga tha. Main bhag bhag ke unki gaadi ko maine mara, phir wo bahar aaye, tab bhi maine pucha ki sir मेरी अभी एक फिल्म आई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए. एंड ही वाज सो काइंड इनफ टू एक्चुअली गिव मी हिज नंबर. ही सेड आर यू ओके, एंड ही ऑफर्ड मी सम वाटर, एंड दैट्स हाउ आई मेट हिम द फर्स्ट टाइम. एंड देन ही आई वेंट टू हिज ऑफिस एंड आई मेट हिम, एंड देन आई गॉट द ऑडिशन फॉर गिप्पी. सो या आई थिंक इट्स जस्ट ओवर द टाइम दैट्स व्हाट हैपेंड.
Yeah. So, what about your family? Because coming from non-film backgrounds, such long phases in careers, they often tend to convince us ki chalo ye nahi work kar raha to kuch aur karo. So, what was their reaction? What was your parents' reaction? My only support system has always been my mother, and financially, emotionally, she's always been there. She always said that मैं जानती हूँ कि एक दिन होगा. You just keep doing your best, and I'm here to support you no matter what, right? Of course, she's also very disciplinary. I always try to do more than what she expects of me, so that उनको भी लगे कि मैं एक अभी नहीं पर एक जीतते हुए घोड़े पे मैं दांव लगा रही हूँ. That's what I wanted her to feel. Okay. And as far as my maybe after 7 or 8 years जब मैं था इंडस्ट्री में, तो मेरे भाई उनको लग रहा था कि मैं कि मुझे छोड़ देना चाहिए, अभी काम नहीं कर रहा है, 8 9 साल हो चुके थे, एंड मे बी आई शुड गिव अप एंड डू समथिंग एल्स. उस वक्त पे मैं बहुत रोया, पर तब भी मेरी मम्मी आई और अम्मी ने कहा देखो डजंट मैटर व्हाट पीपल हैव सेड, ही ओनली वांट्स द बेस्ट फॉर यू, बट आई एम हियर, आई सपोर्ट यू एंड यू जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज आई बिलीव इन यू, और तू ये मेरे लिए कर रहा है. तो उन्होंने कहा कि मैं करूंगा आपके लिए करूंगा, और एक दिन बन के दिखाऊंगा, कुछ तो बन के दिखाऊंगा. So, how did you meet Bansali, Sanjay Leela Bansali, and how did this role materialize? मिस्टर भंसाली के साथ मुझे बहुत सालों से काम करना था, एंड आई हैव आल्सो चेस्ड हिम आउट ऑफ अ होटल वंस, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट वर्क आउट एज एनीथिंग. वो 10 साल पहले की बात है, बट अभी जब मैं उनसे मिला था, आई एक्चुअली गॉट साइन ऑन फॉर अ 3-डे रोल. तो वो लुक टेस्ट करने के बाद वापस से 2 3 हफ्ते के बाद उन्होंने वापस कॉल किया, तो तब तो मुझे लगा कि अभी तो निकालने वाले हैं. कुछ तो अच्छा हुआ है, अभी तो बुरा होने वाला है भाई. तो मैं गया उनके पास, एंड आई डायरेक्टली आई लिटरली आई जस्ट आई हेल्ड हिज हैंड, हेल्ड हिज लेग्स, एंड आई एम लाइक सॉरी सर, अगर मुझसे कोई गलती हुई पर प्लीज मुझे निकालना मत, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आई डू व्हाट एवर यू से. और फिर उन्होंने बड़े प्यार से उन्होंने मुझे बैठाया, उन्होंने कहा कि मैंने तेरा लुक टेस्ट देखा और तेरी आंखों में कुछ है, आई वॉन्ट यू फॉर द लीड रोल ऑफ माई प्रोजेक्ट ताजदार. Wow. तो दैट वॉज क्वाइट शॉकिंग, मैं दंग रह गया था. या दैट्स हाउ आई एक्चुअली फाइनली गॉट द रोल आफ्टर 3 मंथ्स, बट Yeah. या टुक टच टाइम. And he said to be a very thorough director. He wants his vision to be exactly as he wants it on camera from his actors. So, क्या था उनका experience उनके साथ work करने का, and what went behind the preparations? पर्टिकुलर तो बहुत ही है, उनका विजन ही बहुत ही परफेक्ट है, पर आई फील एज फार एज द डायलॉग वे कंसर्न, आई मीन एज फार एज उर्दू वाज कंसर्न, हमारी मेरा बेनिफिट यही था कि इससे पहले मैंने एक शो किया था ताज, तो उसमें हैड टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ उर्दू, और मैं काफ़ी सालों से मैं उर्दू की किताबें पढ़ रहा हूँ अपने टीचर्स के साथ, सो लकी फॉर मी आई वॉज एबल टू प्रोनाउंस जो लहजा था वो मैं पकड़ चुका था पहले से. और पर उसके अलावा ऑल्सो ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द वे यू होल्ड द कैरेक्टर, ही वॉन्टेड हिम टू बी वेरी वेरी रिजर्व, बट एट द सेम टाइम ही वॉन्टेड यू टू गिव आउट दिस काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू विल स्टैंड अप फॉर एवरीथिंग, यू विल स्टैंड अप फॉर ऑप्रेशन, यू विल स्टैंड अप फॉर फ्रीडम, यू विल स्टैंड अप फॉर योर लव, सो ऑल दीज थिंग्स. आई गेस जैसे मैं उनके साथ ज्यादा वक्त बिताने लग गया था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ताजदार तो भंसाली सर है, एमुलेटेड सर क्वाइट अ लॉट. सो या दैट मेंट एंड दैट्स हाउ वी केम टू, बट ऑफ कोर्स हिज विजन इवन इन द बैकग्राउंड, हिज होल सेट डिजाइन एंड अगर एक एक क्या बोलते हैं, एक इवन इफ अ कैंडल लाइट इज नॉट बर्निंग ना, वो दूर से देख देते हैं एंड ही वॉन्ट्स दैट टू बी लिट अप एग्जैक्टली, अगर वो दिखता भी नहीं तब भी उनको चाहिए. So I believe that he's very, very particular. That's the best thing about him. You were recently at Cannes Film Festival, and all the headlines read that you were there for networking, as you said. So, how important is it in the film industry to network? Of course, it gets you the right opportunities, but did you primarily go there for networking? And who all did you meet? Who all did you want to meet? There was no such goal as to who I wanted to meet, क्योंकि कैन्स ही मेरे लिए बहुत ही एक नई जगह थी. सो आई वेंट देयर टू
वो क्या कहते हैं, आई वेंट देयर टू अंडरस्टैंड द वास्टनेस ऑफ कैंस, राइट, एंड आई वांटेड टू एक्सपैंड माय ड्रीम्स, दैट्स व्हाई आई वेंट टू कैंस, राइट. सो देयर वाज नो सच, एंड ऑफ कोर्स आई आल्सो वांटेड टू लॉन्च अ पोस्टर ऑफ माइन, अ मूवी व्हिच माइट बी कमिंग, व्हिच विल बी कमिंग आउट सून, बट दैट्स व्हाट आई वेंट देयर फॉर. But the networking that I've done, it was with, I love networking. It gives me a high, right? The more people I know around the globe, the more people can then, reach out to me to do better work, global work. And that's what I feel is most important. So, ऐसा कोई गोल नहीं था. But last question is, what kind of roles and characters do you want to portray on screen post this? I'll give you the top three characters. I definitely want to do something with the army, navy, or the commandos, something like that. Something to do with the with for India. Or second, I want to do a character like Black or Sparsh, with a disability. The third, of course, I would love to do a romantic film, so that because of the love that I'm getting of the romance in Hira Mandi. So ये तीन तो मेरे मतलब ज़हन में हैं. देखते हैं इसमें से क्या होता है.